हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि पुणे का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। से हाय सैमी। और सैमी के साथ में आप पीछे देख सकते हैं, हम इन लोग के मतलब इसके केयर टेकर को भी लेके जा रहे हैं, जो आई थिंक इसके पेरेंट्स भी हैं। सो अभी हम निकलने वाले हैं, शाम का 5:30 हो रहा है। घर से कुछ 20-22 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स। वहाँ चलते हैं और आपको मंदिर का दर्शन करवाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा। जनरली इतना होता नहीं है, बट पता नहीं वीकेंड के कारण ऐसा है या फिर कुछ और भी है, कोई फेस्टिवल है या कुछ है महाराष्ट्र में, तो वो अभी अंदर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। सैमी, आर यू एक्साइटेड? यस। भीड़ कितना आपको? बहुत ज्यादा भीड़ था, आपने देखा ही। आरती हो रहा है एक्चुअली अंदर, और पूरा अंदर तो पूरा ही भरा हुआ है, बाहर में भी पूरा लाइन लगा हुआ है। और मंदिर दो है, सो ऊपर में एक मेन स्वामीनारायण मंदिर है और नीचे मंदिर के सीढ़ियों से होके एक रास्ता गया हुआ, वहाँ पे एक और मंदिर है जहाँ पे आपको बहुत सारा भगवान है, जैसे शिव पार्वती जी है, फिर राम जी, हाँ वो सारा मतलब मूर्ति यहाँ पे भी है। तो आप प्लीज इंश्योर कि आप दोनों मंदिर दर्शन करो, रुक्मिणी और
कृष्ण भगवान का है नीचे में, तो वो सारा कुछ है। तो मंदिर के अंदर तो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हमने अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया है, बट बाहर से जितना थोड़ा बहुत मैं ले पाया मैंने लिया है, बट अंदर तो स्ट्रिक्ट मना। बट मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और अभी धीरे धीरे लाइट भी जल रहा है, बिकॉज अंधेरा भी हो रहा। आज का जो शूटिंग कर रहे हैं वो हमारे आईफोन से कर रहे हैं, और इसका भी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो देख के बताना कि ये आईफोन का हमारा फर्स्ट शूटिंग है, ये ब्लॉग शूटिंग। शॉर्ट्स तो हमने बहुत सारा शूट किया आईफोन से, बट ब्लॉग नहीं किया है। तो आप बताना क्लैरिटी में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है, और हाँ टेंपल कैसा लगा। और अगर पुणे में हो तो ज़रूर आओ, और पुणे में नहीं हो तो प्लान करो पुणे आने का, और यहाँ पर आओ, और आप अच्छा मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पर। बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, और खाने का भी बहुत सारा स्नैक्स आइटम है यहाँ पे अवेलेबल, और शाम का नज़ारा आप देख पा रहे होगे, बहुत ही अच्छा है। और रात में भी बहुत सुंदर सा लाइट्स होता है, मतलब कलर चेंज होता है लाइट का, तो लाइटिंग बहुत अच्छे से किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली हम रात को रुक नहीं पाएंगे, हमें घर भी जाना है, बट हम माइट भी फोटोज कुछ डाल सकेंगे पहले का जो हमने पहले क्लिक किया हुआ है जब हम नाइट में आए थे। और हमेशा की तरह बाल मेरा ख़राब हो चुका है। और बाय द वे, अगर पुणे में आपको ऐसा लगता है, या पुणे के मतलब थोड़ा बाहर भी अगर ऐसा कोई टेंपल है जो आपने विजिट किया है, जो आपको लगता है बहुत अच्छा और हमें वहाँ पे जाके विजिट करना चाहिए, व्लॉग शूट करना चाहिए, तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना, और हम ज़रूर वहाँ पर जाएंगे। अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो फ्रेंड्स, हम वहाँ कुछ देर और रुक के कुछ इवनिंग शॉट्स भी लिए हैं, जो भी आप आगे वीडियो में देख रहे हो, बिकॉज इवनिंग का जो मंदिर का एटमोसफियर है वो एकदम ही अलग हो जाता है। एंड पुणे में ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स है इस्कॉन टेम्पल के बाद, और आप भी यहाँ पे आके ज़रूर ये टेम्पल विजिट करना। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मेसमराइजिंग है। एंड हम मोस्टली ये इस्कॉन टेम्पल एंड स्वामीनारायण टेम्पल एक ही दिन विजिट करते हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, कुछ आई थिंक 7-8 किलोमीटर्स या उससे भी कम है। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।